है फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन कुमार मात्रा। मेरे पास है जो ओप्पो ए डबल फाइव हैंडसेट है। तो दोस्तों उसकी जो आपको जो फ़ोन पे आपकी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज हो गया तो अदर कंट्री का, तो आप कैसे आपको आपकी कंट्री का लैंग्वेज चेंज करके वो बात में डिटेल्स में बताएंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक दोस्तों, यह देखिए, यह है यह है हमारा ओप्पो ए डबल फाइव की हैंडसेट। तो उसको देखिए, पहले आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग जाने के बाद ये देखिए ऊपर से नीचे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने का यहाँ पर देखिए नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है। ये सारे देखिए ए वाई फोन और उसके बाद देखिए ओप्पो ए डबल फाइव, तो आपको यहाँ पर बैक करना होगा। उसके बाद ये एडिशनल सेटिंग, तो आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देखिए एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे ऊपर आ गया लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है दोस्तों, तो लैंग्वेज रीजन का आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने का यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, तो आपको आपकी कंट्री का लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ पर आर लैंग्वेज पर आपको क्लिक करना है। तो आर लैंग्वेज से क्लिक करने पर ये देखिए इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश आयरलैंड, जो हमको चाहिए क्या इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। तो आपको मैंने अभी उसको क्लिक किया, यह देखिए, और क्लिक करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन पर आ गया। तो उसके बाद देखिए ये अभी लैंग्वेज चेंज अभी तक नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, उसको ये जो थ्री डॉट है उसको प्रेस करके आप यहाँ उसको ऊपर लाएंगे। तो उसके बाद आपके देखिए चेंज टू इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शन भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए चेंज टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेंज हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी दे दीजिए। तो उसके बाद फिर से देखिए देखिए हमारे को जाए इनोस्टेटस, तो मैंने फिर से उसको इनोस्टेटस कर लिया। देखिए चेंज टू इंग्लिश।